नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिया मां कठुआ आवाज दो, आवाज दो, टिप्पर जूनियर जिंदाबाद, टिप्पर जूनियर जिंदाबाद, टिप्पर जूनियर जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। चोर बुजारी नहीं चलेगी, चोर बुजारी नहीं चलेगी। रिश्वत घोरी नहीं चलेगी, रिश्वत घोरी नहीं चलेगी। दिया मां कठुआ। सर मेरा नाम नरेंद्र सिंह, जीके टिप्पर यूनियन, सांबा कठुआ जम्मू। आज हमें आए थे डिप्टी कमिश्नर कठुआ से मिलने के लिए, तो वहां से मिले तो डिप्टी कमिश्नर वहां पे थे नहीं, कहीं मीटिंग में जम्मू गए हुए थे। उसके बाद हमने एसएसपी से मिलने की कोशिश की, वहां पे हमारी बात हुई एडिशनल एसएसपी चीफ साहब से, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत आश्वासन दिया। बाकी बात ये है कि हमारा जो कठुआ का जितना भी मटेरियल है, ये सारा मटेरियल आउट ऑफ स्टेट पंजाब में जा रहा है। उसी के गार्डन काफ़ी दिनों से ये हमारे लोग ट्रांसपोर्टर मेरे भाई हैं, काफ़ी समय से परेशान थे कि सर बात ऐसी है, डीएमओ को भी कंप्लेन कर चुके हैं, ये लोकल ट्रैक्टर ट्रैली वाले भी कंप्लेन कर चुके हैं, हमारी किसी सुनवाई नहीं हो रही। आज हमारे हम सब इकट्ठे होके मिलके डिप्टी कमिश्नर को मिलने गए थे, एक मेमोरेंडम देना था उनको, वो आए थे वहाँ से मिले नहीं। फिर हम अभी डीएमओ ऑफिस के बाहर खड़े हैं, डीएमओ भी अपनी चेयर पर नहीं है, फ़ोन पर हमारी थोड़ी बात हुई है, डीएमओ अपनी गाड़ी का कहीं काम करा रहे हैं वहाँ पर। तो बात ऐसी है कि ये हमारा जो मटेरियल जा रहा है जम्मू में, इतने नेशनल प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने जितने भी इनकी देखरेख में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें हाई क्वांटिटी जितने कि लाखों मेट्रो टन के हिसाब से, मैं बताऊं एक एक क्रेशर वाले को या एक एक कंपनी को कितना मटेरियल चाहिए, 20-20 लाख मैट्रिक टन जो चाहिए। बड़े इतने प्रोजेक्ट हैं जो जम्मू में चल रहे हैं, लोकल कठुआ वालों को बिल्कुल नहीं माल मिल रहा, हमें ट्रांसपोर्ट टिप्पर वालों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये जो क्रेशर वाले हैं, ये हाई रेट में जो माल, जो जैसे कि बोल रहे हैं कि पंजाब में माइनिंग बैन है या बंद हो चुकी है, ये हमारा कठुआ जम्मू सांबा कठुआ का जितना भी मटेरियल है, सारा मटेरियल आउट ऑफ स्टेट जा रहा है। ये हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये डिप्टी कमिश्नर की नेगलिजेंसी है, जो कि इनको पता भी है कि जम्मू में इतने प्रोजेक्ट आए हैं, ये माननीय मंत्री साहब, रोड मंत्री गडकरी साहब के देख रेख में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतना मटेरियल चाहिए, ये फिर भी ये मटेरियल जो भी प्रोवाइड करना है, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सारा मटेरियल ये इन्होंने अपने प्रोजेक्टों को प्रोवाइड करना है, और लोकल जितनी भी पब्लिक अमाम है सबको मटेरियल चाहिए। वही प्रशासन का हमारे पास वीडियो है, आप मीडिया बंधु को पता है सब, 2-3 दिनों से ये हल्ला हुल्ला चल रहा है, आपने देखा भी होगा, वीडियो भी हमारे लड़कों ने बनाई कि सारा का सारा मटेरियल जो पंजाब में इतने इतने बड़े बड़े घोड़े जो उसमें 25-25, 30-30 ट्रैलियां जो माल लेके पंजाब में जा रहे हैं बाहर, यहाँ से महंगे रेट जो क्रैशर वाला जो मटेरियल दे रहा है वो इनको डबल दामों में दे रहा है। हम जब मांगते हैं इनसे मटेरियल, तो हमें यहाँ पर रोका जाता है कि हमारे पास ई चलान नहीं है, अभी डीएमओ ने अप्रूव नहीं किया है, इस तरह का जो बहाने लगाते हैं। दूसरा जो मैं डीएमओ साहब से कहना चाहता हूँ कि जो ई चलान का सिस्टम जो आपने बनाया हुआ है, मैं मीडिया के माध्यम से ये डीएमओ कठुआ को बोलना चाहता हूँ कि जैसे अपना क्रैशर होल्डर जो भी रिक्वेस्ट आपको डालता है, विद इन 5 मिनट्स में उसको अप्रूव करना चाहिए।